अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टेस्टी किचन पॉइंट में वेलकम है आप सभी का। दोस्तों आज मैं अपने किचन में जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो मेरे एक अजीज सब्सक्राइबर की फरमाइश की है, जिनका नाम नूर शबाना है। तो नूर शबाना जी आप खुश हो जाइए, आज मैं अपने किचन में 1 किलो चिकन की नहारी बनाने जा रही हूँ। हालांकि मेरी फैमिली छोटी सी है, इतना ज़्यादा गोश्त मेरे यहाँ नहीं बनाया जाता है, आधा किलो गोश्त काफ़ी रहता है मेरी फैमिली के लिए, लेकिन मैं आपकी स्पेशली फरमाइश पर इसे आज 1 kg मीट में बनाने जा रही हूँ। तो दोस्तों इसके लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है जिसको अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसके अंदर 2 बड़े साइज़ की प्याज डाली जाएंगी। ये देखिए इतने बड़े साइज़ की प्याज इसके अंदर डाली जाएंगी, मैंने आपको दिखाने के लिए कट नहीं की थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि कितने बड़े साइज़ की प्याज हैं। अगर आप मीडियम साइज़ की प्याज ले रहे हैं तो 3 ले सकते हैं, और बड़े साइज़ की प्याज हैं तो 2 बड़े साइज़ की प्याज काफ़ी रहेंगी। 1 किलो का आप नहारी का मसाला ले सकते हैं, मार्केट का ले सकते हैं, घर में बनाना चाहते हैं तो होममेड नहारी का मसाला मेरे चैनल पर अपलोड है, आप 1 kg का नहारी का मसाला देख सकते हैं। घर में भी बनाया जा सकता है और घर के मसाले की बनी हुई नहारी बहुत बढ़िया बनती है, तो आप चाहे तो घर का यूज़ कर लें चाहे मार्केट से ले लें। 2 टेबल स्पून के करीब जिंजर और गार्लिक पेस्ट जाएगा, लहसुन अदरक पेस्ट, और इसके अंदर हम टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे। तो तकरीबन 200 ग्राम इसके अंदर दही जाएगा, यानी कि कर्ड, हल्का सा खट्टा है ये, नहारी को अच्छा टेस्ट देगा ये। तो चलें दोस्तों बनाना शुरू करते हैं चिकन नहारी। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी प्याज को कट कर लेंगे, तो इसको ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्लाइसेस में हल्का मोटा मोटा कट कर सकते हैं। तो बीच का हिस्सा निकालेंगे और उस तरीके से इसको कट कर लेंगे। तो दोस्तों प्याज भी हमारी कट हो गए, तो चलिए शुरू करते हैं नहारी बनाना। दोस्तों हम अपनी चिकन नहारी कुकर के अंदर बनाएंगे, तो मैंने कुकर को गैस के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर हम 250 ml के करीब कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, क्योंकि नहारी के अंदर थोड़ा ज़्यादा तेल डाला जाता है। तेल के हल्का सा गर्म होते ही सबसे पहले हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे, और हाई फ्लेम पे चिकन को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से भूनेंगे। चिकन की जो कच्ची स्मेल होती है वो पूरी तरह से निकल जानी चाहिए, इस तरह से फ्राई करने से चिकन की कच्ची स्मेल खत्म हो जाएगी। इसे हम फ्राई करने के बाद बाहर निकाल लेंगे, तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हाई फ्लेम पर। तो ये लीजिए आप देख सकते हैं चिकन हमारा भून चुका है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे, वापस बाउल में ही निकाल लेंगे। अब हम बचे हुए तेल में प्याज डाल देंगे, और प्याज को भी हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भूनेंगे। इसको सॉटे करना है हमें, तो इसे भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि प्याज का भी कच्चापन खत्म हो जाए, इसका मीठापन खत्म हो जाए, इसका कलर ब्राउन नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट ही हमें इसको भूनना है ताकि सॉटे हो जाए। प्याज हमारी सोटे हो चुकी है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसको भी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे अच्छी तरह से, ताकि लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से भून जाए। और लहसुन अदरक के पेस्ट के भूनने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नहारी का मसाला, इसको मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने इस वक्त स्लो कर दिया है, थोड़ी देर इसे स्लो फ्लेम पर इसी तरह से भूनेंगे। और तकरीबन 30 सेकंड स्लो फ्लेम पर मसाले को भूनने के बाद हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे, तो तकरीबन 400 ml के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया, मिक्स कर लेंगे इसको। 1 teaspoon के करीब इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे, क्योंकि मसाले के अंदर नमक नहीं होता है, इसको मिक्स कर लेंगे एक बार। अगर आप नहारी का कलर ज़्यादा डार्क नहीं चाहते हैं, क्योंकि नहारी हल्की सी ब्लैक कलर की होती है, अगर आप ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहते हैं तो इसमें 1/2 teaspoon के करीब आप हल्दी पाउडर ऐड कर सकते हैं। इससे इसका कलर अच्छा हो जाएगा। बस अब हम इसको कवर कर देंगे।
फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन इसमें 3 से 4 विसल लगा लेंगे। इस तरह से विसल लगाने से हमारी प्याज अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगी और मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। 4 विसल के बाद हम इसको खोलेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे, क्योंकि चिकन एक विसल में ही अच्छी तरह से टेंडर हो जाता है। तो इसे हम पहले मसाले को पकाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। ये लीजिए दोस्तों, 4 प्रेशर आ जाने के बाद कुकर को हमने खोल लिया है। अब आप देख सकते हैं प्याज हमारी गल चुकी है, अब ये मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो फ्लेम को मैंने दोबारा से ऑन कर दिया है, फ्लेम को मीडियम करके इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि इसका सारा जो कच्चापन है मसाले का वो ख़त्म हो जाए और तेल हमारा पूरी तरह से सेपरेट हो जाए। ये लीजिए दोस्तों, मसाला हमारा भुन चुका है, आप देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है और मसाले के अंदर पानी अब बिल्कुल भी नहीं बचा है, अच्छी तरह से फट चुका है मसाला हमारा। अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और ये जो रोगन आप देख रहे हैं इसके ऊपर, इसे हम बाहर निकाल लेंगे बाउल के अंदर। हल्का सा इस तरह से कुकर को टेढ़ा करेंगे, इसमें से रोगन हम बाउल के अंदर बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों, रोगन को मैंने बाहर निकाल लिया है बाउल के अंदर। अब आप जब भी नहारी सर्व करें उसके ऊपर अलग से रोगन डालकर उसे सर्व कर सकते हैं, उससे उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। ज़्यादातर जो मेरे व्यूवर्स हैं उनकी शिकायत होती है कि नहारी बनाते बनाते रोगन मिक्स ही हो गया सालन के अंदर, ऊपर नज़र ही नहीं आया, रंगत ख़त्म हो गई। तो इस तरह से नहारी की रंगत भी ख़त्म नहीं होगी और आपका रोगन भी सेफ हो जाएगा। अब हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके बाहर निकाल लिया था। फ्लेम को हाई कर देंगे दोबारा से और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर दही डाल देंगे। दही को आप अच्छे से बीट कर लीजिएगा। इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हमें इतना ही ऐड करना है जितने में हमारा चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। तो तकरीबन 100 ml के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया। इसको मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करके इसमें 2 विसिल लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 विसिल के बाद हम इसको फौरन खोल लेंगे, क्योंकि चिकन हमारा बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं होना चाहिए। अगर ये बहुत ज़्यादा टेंडर हो जाएगा तो बोन्स अलग हो जाएंगी और बोटियाँ बिखर जाएंगी। जब तक चिकन हमारा टेंडर हो रहा है हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा सामान ले लिया है, 8 से 10 ली हरी मिर्चें, बारीक बारीक मैंने इनको चॉप कर लिया है। यहाँ पे मैंने 2 इंच का अदरक का पीस लिया है जिसको मैंने जुलियन कट कर लिया है, और मैंने यहाँ पर लेमन लिया है, लेमन से बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है नहारी का। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून मैदा लिया है जिसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर इसकी पतली सी स्लरी तैयार करेंगे, इसे नहारी में लोच दिया जाता है। आप मैदे की जगह भुने चने का आटा भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो मैंने यहाँ पर मैदा लिया है, दोनों चीज़ें इसमें डाली जा सकती हैं, मैदा भी और आटा भी। इसमें हम पानी डालकर इसका पतला सा घोल तैयार करेंगे, इसके अंदर लम्स नहीं रहने चाहिए। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। 2 प्रेशर आ चुके हैं कुकर में हमारे, फ्लेम को ऑफ करके प्रेशर को हमने फौरन रिलीज कर दिया है। अब हम इसको खोल लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों, चिकन हमारा टेंडर हो चुका है, बोन छोड़ दी है बोटियों ने, अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। अब हम फ्लेम को दोबारा से ऑन करेंगे और इसके अंदर डाल देंगे जो मैदे का घोल हमने तैयार किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आप देख सकते हैं व्यूवर्स, मैदा डालने के बाद नहारी में हमारे कितना अच्छा लोच आ गया है, बहुत बढ़िया लोच आया है इसमें, बहुत बढ़िया नहारी हमारी बनने वाली है। उसके साथ साथ ये अच्छे से बबल्स भी आ गए हैं इसमें। अब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, जितनी थिकनेस रखनी है आपको अपनी नहारी की उतना आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मिक्स कर लेते हैं और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देते हैं। इसी तरह से प्रेशर नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऐसे ही कवर करके इसको रख देंगे और फ्लेम को स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पर इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए पकाएंगे, इससे बहुत अच्छा लोच भी हो जाएगा नहारी का और नहारी हमारी परफेक्टली बनकर तैयार हो जाएगी। दोस्तों, 5 मिनट हो चुके हैं हमारी नहारी को बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकते हुए और नहारी हमारी तैयार है। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। थोड़ा सा रोगन हम इसके ऊपर अभी से डाल देते हैं और बाकी रोगन हम डालेंगे डिश के ऊपर सर्व करते वक्त।
ये हमारी चिकन नहारी बनकर तैयार है, इसको कर लेते हैं हम डिश आउट। ये लीजिए दोस्तों, हमारी चिकन नहारी बनकर तैयार है और ये बहुत ही बढ़िया बनी है। हमने इसको गार्निश कर लिया है जुलियन कटी हुई अदरक से, हरी मिर्च से और लेमन से। इसका टेस्ट लाजवाब है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी आपको ये रेसिपी। आप इसको गर्मा गर्म सर्व करें होटल की तंदूरी नान के साथ, रोटी के साथ, और अगर आप मॉर्निंग में इसको सर्व कर रहे हैं तो आप इसे पराठों के साथ सर्व कीजिए, क्योंकि दिल्ली में ये मॉर्निंग में पराठों के साथ सर्व की जाती है और बहुत ही बढ़िया लगती है ये ब्रेकफास्ट में। तो ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। आई होप नूर शबाना जी, आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और मेरे व्यूवर्स जितने भी मुझे देख रहे हैं वो भी बहुत पसंद कर रहे होंगे इस रेसिपी को। अगर मेरी आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। मैं फिर हाज़िर होती हूँ एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।